आपका स्कूल का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय गजेंद्रबिघा। वहाँ कितना टीचर है? एक टीचर है बाबू, तब कैसे पढ़ाते हैं तुम लोग को? नहीं अच्छा से पढ़ाते हैं, एक चौथा वाला पढ़ाते तो तीसरा वाला हल्ला करता है, तीसरा वाला का पढ़ाता तो दूसरा वाला हल्ला करता है, दूसरा वाला का पढ़ाते तो पहला वाला हल्ला करता है। ऐसा ही हमारा भविष्य खराब हो रहा है। बिहार के नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय गजेंद्र बिघा में 157 छात्र छात्राएं का पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालय गजेंद्रबिघा में दो ही टीचर काज कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपके स्कूल में कितने टीचर हैं? एक मैं हूँ, एक डिप्टेशन में एक और टीचर। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप दो ही टीचर इस विद्यालय में कार्यरत हैं, पर बच्चों को किस तरह से आप शिक्षा दे पाते हैं? तो कठिनाई बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे हमेशा हर रोज़ कुछ ना कुछ ऑफिस वर्क हो जाता है और प्लस कुछ पढ़ाना भी पड़ता है, तो दिक्कत तो होता ही है। किस तरह के दिक्कतें आपको महसूस होता है, थोड़ा इसमें बताना चाहिए? बच्चों को हम क्लास में क्लास नहीं पढ़ाते, एक साथ करके पढ़ाना पड़ता है, और बहुत सारे बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको अलग करके हम नहीं पढ़ा पाते हैं। जैसे ज़्यादा टीचर रहते हैं तो हम उनको एक अलग समूह बना के पढ़ाते हैं, जिनको मान लिया काखा गगा नहीं आता है तो उनको अलग समूह बनाते हैं, जो किताब पढ़ते हैं उनको अलग समूह बना के दूसरे टीचर को पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय गजेंद्रबिघा। उस विद्यालय में कितने रूम हैं? जी दो गो। दो रूम है बाबू, तो तुम लोग किस तरह से बैठ पाते हो? जी बढ़िया से, मैडम नहीं पढ़ाते हैं, बैठते हैं सही, लेकिन पढ़ाते हैं बढ़िया से नहीं। क्यों बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं? जी क्योंकि टीचर नहीं, एक टीचर हैं जो परेशानी हो जाते हैं, ये में पढ़ाते हैं तो ये हम लोग हल्ला करते हैं, हल्ला नहीं शांत होता हम लोग से। बाबू तुम अपने स्कूल के लिए क्या चाहते हो? जी हम अपने स्कूल के लिए टीचर चाहते हैं। हम इस विद्यालय के लिए सबसे पहले चाहते हैं कि यहाँ 4-5 शिक्षक और आ जाए, क्योंकि एक से दो शिक्षक से तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा कभी मीटिंग होता है तो कभी ऑफिस वर्क, कभी कुछ तो हम तो अधिकतर दिन ऐसे ही व्यस्त रहते हैं, तो चाहते हैं कि कम से कम हर एक क्लास के लिए एक टीचर आ जाए, और एक टीचर जो रहे बाहर का काम ऑफिस वर्क के लिए रहे, और मान लिया फिर अगर उनका फुर्सत होता है तो वो पढ़ाएं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द इस स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हो, क्योंकि यहाँ बच्चों को सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसीलिए जब टीचर आएगा तो यहाँ स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई हो पाएगा। आप भी मेरी मदद कर सकते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिसका मोबाइल नंबर 99 39 71 27 41 पर कॉल कर इन पर दबाव बनाएं और मेरी मदद करें। मैं मिस्टर आलम नालंदा जिला के हिलसा प्रखंड के गजेंद्रबिघा से इंडियन हट के लिए।